गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचीश मेरा ब्लॉग। और मैं हूँ रिचा। तो अभी आया हुआ था मेरा पार्सल, मैंने मंगवाया हुआ था क्या वो मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो मैंने मंगवाया हुआ था हेयर ब्रश। आप देख सकते हो, ये मैंने ओपन भी कर लिया और इसे मैंने यूज़ भी कर लिया। गाइस, मुझे सच में ट्रस्ट नहीं हो रहा कि 150 की रेंज में मुझे इतना अच्छा हेयर ब्रश मिला हुआ है। आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है और ये कितना सॉफ्ट ब्रश है। मतलब शायद इससे मेरे बाल बहुत कम टूटेंगे। और ये वाला जो हेयर ब्रश है वो उसकी भी क्वालिटी बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है। इनफैक्ट जो मैंने मार्केट से लिया था ना, उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है इसकी क्वालिटी। गाइस, 150 की रेंज में मुझे बहुत ही अच्छा हेयर ब्रश मिला है। अगर आप लोगों को भी ऐसा हेयर ब्रश चाहिए तो आप मीशो पे जाके आप बाय कर सकते हो, और ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी क्वालिटी है। हमारे दुर्ग में ना कल से ही बारिश हो रही है और बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। थोड़े थोड़े देर में होते जा रही है बारिश। देख सकते हो कि गली पूरी गीली हुई है। गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये पूरे रास्ते में कल पूरे, गाइस कल पूरे घर में यहाँ पे दरवाजे के पास से पूरी चींटियाँ आई हुई थी, और इतनी बड़ी बड़ी चींटी थी। फिर जैसे तैसे हम लक्ष्मण रेखा लाए, हमने हर जगह लगाए, उसके बाद ही चींटियाँ भगी हैं। थैंक गॉड कि आज नहीं आई हैं चींटियाँ, पर कोई भरोसा भी नहीं है कि आ भी सकती हैं बाद में। तो गाइस, मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और आज इतनी ठंडी है कि चाय तो बनती ही है। वैसे भी सुबह से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, और मैं कोशिश करती हूँ कि पहले मैं नहा लूँ, पूजा पाठ कर लूँ, उसके बाद ही कुछ खाऊं। हर समय ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि कभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है कि कुछ साफ सफाई में लग जाने से, तो इसलिए फिर मैं कुछ खा लेती हूँ। तो बनाते हैं चाय। तो गाइज, यहाँ पे तैयार हो गई है मेरी चाय, और चाय के साथ खाने वाली हूँ मैं लाई बड़ी। जिनको लाई बड़ी नहीं मालूम है, मैं उनको बता देती हूँ कि ये पके हुए चावल की बनी हुई रेसिपी होती है। गाइज, जिनके भी घर में चावल कभी ज़्यादा बन जाता है और हम ऐसा सोचते हैं ना कि हम चावल का क्या करें, तो हमारे घर पे तो बचपन से ही ये लाई बड़ी बनाते हैं चावल की। तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि ये लाई बड़ी बनती कैसे है। तो आपको क्या करना है कि आपका जितना भी चावल बचा हुआ है आपको उसमें पानी डालना है। बहुत सारा पानी नहीं डालना है, जैसे खिचड़ी बनाते हैं ना हम, तो खिचड़ी की जो थिकनेस होती है वैसे ही आपको पानी डालना है। उसमें जीरा डालना है और नमक डालना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं डालना है। और आपको उसे अच्छे से मिक्स कर देना है, खिचड़ी जैसा हाथ से मिक्स कर देना है। तो जैसा हम कोई भी बड़ी बनाते हैं ना, जिस शेप में बड़ी बनाते हैं हम, तो वैसे जाके आपको बना देना है। जैसे हम बड़ी को सुखाते हैं, वैसे 2-3 दिन तक हमें बड़ी को अच्छे से सुखाना है। जब वो अच्छे से सूख जाएगा फिर हमें उसे तेल में फ्राई करके, ये फ्राई करने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है, और तो हमें इसे तेल में फ्राई करके खाना है। और फ्राई करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाता है, मैं आपको खा के दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा क्रंची होता है। तो गाइज, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो गाइज, चावल वेस्ट करने से अच्छा कि आप ये बड़ी जरूर बनाने का ट्राई करें और बना के खा के देखें, बहुत ही टेस्टी होता है ये बड़ी। तो गाइज, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो गाइज, कल मैंने व्लॉग की एंडिंग नहीं करी थी, तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मीन्स नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हुई हूँ, और कल मैं व्लॉग इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाई और कल व्लॉग की एंडिंग नहीं कर पाई, क्योंकि कल इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी हवा चल रही थी, और बार बार लाइट गोल भी हो रहा था, तो वो मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं। सो गाइज, कल हमारे घर में घुस गया था गिरगिट। मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पर से घुसा था। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो खिड़की है ना, तो यहाँ की खिड़की का कांच ना, जब हम आए थे उसके पहले ही टूट चुका था, तो अभी तक के हम बनवाए नहीं थे। तो अभी बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पर तो मैंने कार्टून लगा दिया था, बट अभी बरसात का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो ये खिड़की से सांप की मौसी और गिरगिट घुस गए थे अंदर। वो तो अच्छा है कि मैंने उसी टाइम पर देख लिया। तो आज हम ये कांच लगवाने वाले हैं। मैं आपको अपना हॉल दिखाती हूँ, जिसका हालत अभी कैसा हो चुका है। मेरे हॉल की हालत कुछ इस तरीके से हो गई है, आप देख सकते हो, क्योंकि कल मैंने कपड़े धोए थे और उसी के बाद से बारिश होनी स्टार्ट हो गई।
तो मैंने यहाँ पे पूरे सोफे के ऊपर डाल दिए हैं कपड़े। तो गाइस, 1 या 1.5 दिन के बरसात में हालत इतनी खराब हो चुकी है, इतनी ज्यादा ठंड है कि हमें रात में ब्लैंकेट निकाल के, मीन्स फैन ऑन था और हम ब्लैंकेट ओढ़ के सोए। गाइस, मैं जल्दी से झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि अभी कुछ काम हुआ नहीं है। उसके बाद फिर मैं नहा के आप लोग से मिलती हूँ। तो गाइज, यहाँ पर हुआ तोड़ा फोड़ी का काम, बट स्लाइडर के कारण आज खिड़की लग ही नहीं पाई क्योंकि स्लाइडर यहाँ से निकला ही नहीं। तो गाइज, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज रितेश मेहरा ब्लॉग। प्लीज गाइज, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। कल के ब्लॉग में मिलते हैं। बाय गाइज।